ओम शांति। आज 18 जनवरी 2021 की मुरली पिता श्री जी के पुण्य स्मृति दिवस पर प्रातः क्लास में सुनाने के लिए बाप दादा के अनमोल महावाक्य। पहले सुनते हैं मुरली के कुछ मुख्य पॉइंट्स। बाबा ने कहा, जो आत्म अभिमानी होकर रहते हैं उनको कहा जाता है महावीर। या से ही तुम महावीर सुप्रीम बनते हो, सुप्रीम अर्थात शक्तिमान। शिव बाबा इसमें आकर कहते हैं, मीठे बच्चे मामे कम याद करो, देश सहित देह के सभी संबंधों को भूल जाओ, यह अंतिम जन्म है, यह पुरानी दुनिया पुरानी देह खलास हो जानी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे हे आत्माए मामे कम याद करो, भूले चुके भी बाप के सिवाय कोई को याद नहीं करना। आगे बाबा ने कहा, कभी किसी बच्चे का गुस्से का आवाज सुनते हैं तो बाप शिक्षा देते हैं, बच्चे गुस्सा करना ठीक नहीं है, इससे तुम भी दुखी होंगे दूसरों को भी दुखी करेंगे। बाप सदा काल का सुख देने वाला है, तो बच्चों को भी बाप समान बनना है, एक दो को कभी दुख नहीं देना है। बाबा कहते, मीठे बच्चे ऊंच पद पाना है तो माँ पिता को पूरा फॉलो करो और अपनी कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल रखो, अगर कर्मेंद्रियां बस नहीं चलन ठीक नहीं तो ऊंच पद से वंचित हो जाएंगे। और लास्ट में बाबा ने कहा, दिन प्रतिदिन जैसे संपूर्णता का समय नजदीक आता जाएगा तो दुनिया में टेंशन और भी बढ़ेगा, कम नहीं होगा, खिंचातान के जीवन का चारों ओर अनुभव होगा। अब मुरली सुनते हैं विस्तार से। मीठे बच्चे, एक बाप की याद से तुम्हें सुप्रीम बनना है तो भूले चुके भी किसी और को याद नहीं करना। ओम शांति। बेहद का बाप बेट बच्चों को समझाते हैं, मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो और अपने घर को याद करो। उनको कहा ही जाता है टावर ऑफ साइलेंस, टावर ऑफ सुख, बहुत ऊंचा होता है, तुम वहां जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। ऊंच से ऊंच टावर ऑफ साइलेंस में तुम कैसे जा सकते हो, यह भी टावर में रहने वाला बाप बेट सिखलाते हैं। बच्चे अपने को आत्मा समझो, हम आत्मा शांति धाम की निवासी है, वो है बाप का घर, यह चलते फिरते टेव अर्थात आदत डालनी है। अपने को आत्मा समझो और शांति धाम सुख धाम को याद करो। बाप जानते हैं इसमें ही मेहनत है, जो आत्म अभिमानी होकर रहते हैं उनको कहा जाता है महावीर। यहां से ही तुम महावीर सुप्रीम बनते हो, सुप्रीम अर्थात शक्तिमान। बच्चों को खुशी होनी चाहिए, स्वर का मालिक बनाने वाला बाबा विश्व का मालिक बनाने वाला बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। आत्मा की बुद्धि चली जाती है बाप की तरफ, यह है आत्मा का लव एक बाप के साथ। सवेरे सवेरे उठ बाबा से मीठी मीठी बातें करो, बाबा आपकी तो कमाल है, स्वप्न में भी नहीं था आप हमको स्वर का मालिक बनाएंगे, बाबा हम आपकी शिक्षा पर जरूर चलेंगे, कोई भी पाप का काम नहीं करेंगे, बाबा जैसे पुरुषार्थ करते हैं बच्चों को भी सुनाते हैं। शिव बाबा को इतने ढेर बच्चे हैं, ओना तो होगा ना, कितने बच्चों की संभाल होती है। यहाँ तुम ईश्वरीय परिवार में बैठे हो, बाप सम्मुख बैठा है, तुम्हीं से खाओ तुम्हीं से बैठो। तुम जानते हो शिव बाबा इसमें आकर कहते हैं, मीठे बच्चे मामे कम याद करो, देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल जाओ, यह अंतिम जन्म है, यह पुरानी दुनिया पुरानी देह खलास हो जानी है। कहावत भी है, आप मुए मर गई दुनिया। पुरुषार्थ के लिए थोड़ा सा संगम का समय है। बच्चे पूछते हैं, बाबा यह पढ़ाई कब तक चलेगी? जब तक देवी राजधानी स्थापन हो जाए तब तक सुनाते रहेंगे, फिर ट्रांसफर होंगे नई दुनिया में, यह पुराना शरीर है, कुछ न कुछ कर्म भोग चलता रहता है,
इसमें बाबा मदद करे ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। देवाला निकला, बीमार हुआ, बाप कहेंगे यह तुम्हारा हिसाब किताब है। हाँ, फिर भी योग से आयु बढ़ेगी। अपनी मेहनत करो, कृपया मांगो नहीं। बाप को जितना याद करेंगे इसमें ही कल्याण है। जितना हो सके योग बल से काम लो। गाते भी है ना, मुझे पलकों में छिपा लो। प्रिय चीज को नूरे रतन प्राण प्यारा कहते हैं। यह बाप तो बहुत प्रिय है परंतु है गुप्त। उनके लिए लव ऐसा होना चाहिए जो बात मत पूछो। बच्चों को तो बाप को पलकों में छिपाना पड़े। बल्कि कोई यह आंखें नहीं, यह तो बुद्धि में याद रखना है। मोस्ट विलवेड निराकार बाप हमें पढ़ा रहे हैं। वह ज्ञान का सागर, सुख का सागर है, प्यार का सागर है। ऐसे मोस्ट विलवेड बाप के साथ कितना प्यार चाहिए। बच्चों की कितनी निष्काम सेवा करते हैं। पति शरीर में आकर तुम बच्चों को हीरे जैसा बनाते हैं। कितना मीठा बाबा है, तो बच्चों को भी ऐसा मीठा भरना है। कितना निरंकार से बाबा तुम बच्चों की सेवा करते हैं, तो तुम बच्चों को भी इतनी सेवा करनी चाहिए। सीमत पर चलना चाहिए। कहां अपनी मत दिखाई तो तकदीर को लकीर लग जाएगी। तुम ब्राह्मण ईश्वरीय संतान हो, ब्रह्मा की औलाद भाई बहन हो, ईश्वरीय पोत्र पोत्रियां हो, उनसे वर्षा ले रहे हो। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे। इसमें साक्षी रहने का भी बहुत अभ्यास चाहिए। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, हे आत्माएं, मामे कम याद करो। भूले चुके भी बाप के सिवाय कोई को याद नहीं करना, तुम्हारी प्रतिज्ञा है। बाबा मेरे तो एक ही आप हो, हम आत्मा है, आप परमात्मा हो। आपसे ही वर्षा लेना है, आपसे ही राजयोग सीख रहे हैं, जिससे राज्य भाग्य पाते हैं। मीठे बच्चे, तुम जानते हो यह अनादि ड्रामा है। इसमें हार जीत का खेल चलता है। जो होता है वो ठीक है। क्रिएटर को ड्रामा जरूर पसंद होगा ना, तो क्रिएटर के बच्चों को भी पसंद होगा। इस ड्रामा में बाप एक ही बार बच्चों के पास बच्चों की दिल व जान सीख व प्रेम से सेवा करने आते हैं। बाप को तो सब बच्चे प्यारे हैं। तुम जानते हो सतयुग में भी सब एक दो को बहुत प्यार करते हैं। जानवरों में भी प्यार रहता है। ऐसे कोई जानवर नहीं होते जो प्यार से ना रहे। तो तुम बच्चों को या मास्टर प्यार का सागर बनना है। या बनेंगे तो संस्कार अविनाशी बन जाएंगे। बाप कहते हैं, कल्प पहले मिसल हूबहू फिर से प्यारा बनाने आया हूं। कभी किसी बच्चे का गुस्से का आवाज सुनते हैं तो बाप शिक्षा देते हैं, बच्चे गुस्सा करना ठीक नहीं है, इससे तुम भी दुखी होंगे, दूसरों को भी दुखी करेंगे। बाप सदाकाल का सुख देने वाला है, तो बच्चों को भी बाप समान बनना है। एक दो को कभी दुख नहीं देना है। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा है सुबह का साईं, रात को दिन अथवा सवेरा बनाने वाला है। साईं कहा जाता है बेहद के बाप को। वह एक ही साईं बाबा भोलानाथ शिव बाबा है। नाम ही है भोलानाथ। भोली भोली कन्याओं माताओं पर ज्ञान का कलश रखते हैं। उन्हों को ही विश्व का मालिक बनाते हैं। कितना सहज उपाय बताते हैं, कितना प्यार से तुम्हारी ज्ञान की पालना करते हैं। आत्मा को पावन बनाने के लिए याद की यात्रा में रहो। योग का स्नान करना है, ज्ञान है पढ़ाई। योग स्नान से पाप भस्म होते हैं। अपने को आत्मा समझने का अभ्यास करते रहो तो यह देह का अहंकार बिल्कुल टूट जाए। योग से ही पवित्र शतोप्रधान बन बाबा के पास जाना है। कई बच्चे इन बातों को अच्छी रीति समझते नहीं हैं। सच्चा सच्चा अपना चार्ट बताते नहीं हैं। आधा कल्प झूठी दुनिया में रहे हैं तो झूठ जैसे अंदर जम गया है। सच्चाई से अपना चार्ट बाप को बताना चाहिए, चेक करना है। हम पौना घंटा बैठे, इसमें कितना समय अपने को आत्मा समझ बाप को याद किया।
कईयों को सच बताने में लज्जा आती है, यह तो झट सुनाएंगे कि इतनी सर्विस की, इतने को समझाया, परंतु याद का चाट कितना रहा वह सच नहीं सुनाते हैं। याद में न रहने कारण ही तुम्हारा किसको तीर नहीं लगता है, ज्ञान तलवार में जौहर नहीं भरता है। कोई कहते हम तो निरंतर याद में रहते हैं, बाबा कहते वह अवस्था है नहीं, निरंतर याद रहे तो कर्मातीत अवस्था हो जाए, ज्ञान की प्रकाष्ठा दिखाई दे, इसमें बड़ी मेहनत है। विश्व का मालिक ऐसे ही थोड़ी बन जाएंगे, एक बाप के सिवाय और कोई की याद न रहे या देह भी याद न आए, यह अवस्था तुम्हारी पिछाड़ी को होगी। याद की यात्रा से ही तुम्हारी कमाई होती रहेगी, अगर शरीर छूट गया फिर तो कमाई कर नहीं सकेंगे, बल आत्मा संस्कार ले जाएगी, परंतु टीचर तो चाहिए ना जो फिर स्मृति दिलाए। बाप घड़ी घड़ी स्मृति दिलाते रहते हैं, ऐसे बहुत बच्चे हैं जो गृहस्थ व्यवहार में रहते नौकरी आदि भी करते और ऊंच पद पाने के लिए सीमत पर चल अपना भविष्य भी जमा करते रहते, बाबा से राय लेते रहते, पैसा है तो उसको सफल कैसे करें। बाबा कहते सेंटर खोलो जिससे बहुतों का कल्याण हो, मनुष्य दान पुण्य आदि करते हैं, दूसरे जन्म में उसका फल मिलता है, तुमको भी भविष्य 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य मिलता है, तुम्हारी यह नंबर 1 बैंक है, इसमें 4 आना डालो तो भविष्य में 1000 बन जाएगा, पत्थर से सोना बन जाएगा, तुम्हारी हर चीज पारस बन जाएगी। बाबा कहते मीठे बच्चे ऊंच पद पाना है तो मात पिता को पूरा फॉलो करो और अपनी कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल रखो, अगर कर्मेंद्रियां बस नहीं, चलन ठीक नहीं तो ऊंच पद से वंचित हो जाएंगे। अपनी चलन को सुधारना है, जास्ती तमन्नाएं नहीं रखनी है। बाबा तुम बच्चों को कितना ज्ञान श्रृंगार कराए क्षत्रियु के महाराजा महारानी बनाते हैं, इसमें सहनशीलता का गुण बहुत अच्छा चाहिए, देह के ऊपर टू मच मोह नहीं होना चाहिए, योग बल से भी काम लेना है। बाबा को कितनी भी खांसी आदि होती फिर भी सदैव सर्विस पर तत्पर रहते हैं, ज्ञान योग से श्रृंगार कर बच्चों को लायक बनाते हैं। तुम अभी ईश्वरीय गोद में मात पिता की गोद में बैठे हो, बाप ब्रह्मा मुख से तुम बच्चों को जन्म देते हैं, बाप ब्रह्मा मुख से तुम बच्चों को जन्म देते हैं तो ये माँ हो गई, परंतु तुम्हारी बुद्धि फिर भी शिव बाबा की तरफ जाती है। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमको सर्वगुण संपन्न यहाँ बनना है, घड़ी घड़ी माया से हार नहीं खानी है। अच्छा मीठे मीठे शिकिल्धे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते। अव्यक्त महावाक्य, सभी योग युक्त और युक्ति युक्त स्थिति में स्थित होते हुए अपना कार्य कर रहे हैं, क्योंकि वर्तमान समय प्रमाण संकल्प वाणी और कर्म ये तीनों ही युक्ति युक्त चाहिए, तभी संपन्न और संपूर्ण बन सकेंगे। चारों तरफ का वातावरण योग युक्त और युक्ति युक्त हो, जैसे युद्ध मैदान में जब योद्धे युद्ध के लिए दुश्मन के सामने खड़े हुए होते हैं तो उनका अपने ऊपर के और अपने शस्त्रों के ऊपर अर्थात अपनी शक्तियों के ऊपर कितना अटेंशन रहता है। अभी तो समय समीप आता जा रहा है, यह मानो युद्ध के मैदान में सामने आने का समय है, ऐसे समय में चारों ओर सर्व शक्तियों का स्वयं में अटेंशन चाहिए, अगर जरा भी अटेंशन कम होगा तो जैसे जैसे समय प्रमाण चारों ओर टेंशन बढ़ता जाता है, ऐसे ही चारों ओर टेंशन के वातावरण का प्रभाव युद्ध में उपस्थित हुए रूहानी पांडव सेना पर भी पड़ सकता है। दिन प्रतिदिन जैसे संपूर्णता का समय नजदीक आता जाएगा तो दुनिया में टेंशन और भी बढ़ेगा, कम नहीं होगा, खींचातान के जीवन का
चारों ओर अनुभव होगा, जैसे कि चारों ओर से खींचा हुआ होता है। एक तरफ से प्रकृति की छोटी छोटी आपदाओं के नुकसान का टेंशन, दूसरी तरफ इस दुनिया की गवर्नमेंट के कड़े लॉज का टेंशन, तीसरी तरफ व्यवहार में कमी का टेंशन, और चौथी तरफ जो लौकिक संबंधी आदि से स्नेह और फ्रीडम होने के कारण खुशी की भावना अल्पकाल के लिए रहती है, वो भी समाप्त होकर भय की अनुभूति के टेंशन में चारों ओर का टेंशन लोगों में बढ़ना है। चारों ओर के टेंशन में आत्माएं तड़पेगी, जहां जाएगी वहां टेंशन। जैसे शरीर में भी कोई नस खींच जाती है तो कितनी परेशानी होती है, दिमाग खींचा हुआ रहता है, ऐसे ही यह वातावरण बढ़ता जाएगा। जैसे कि कोई ठिकाना नजर नहीं आएगा कि क्या करे, अगर हाँ करे तो भी खिंचावट, ना करे तो भी खिंचावट, कमावे तो भी मुश्किल, न कमावे तो भी मुश्किल, इकट्ठा करे तो भी मुश्किल, ना करे तो भी मुश्किल, ऐसा वातावरण बनता जाएगा। ऐसे टाइम पर चारों ओर के टेंशन का प्रभाव रूहानी पांडव पर ना हो, स्वयं को टेंशन में आने की समस्याएं ना भी हो, लेकिन वातावरण का प्रभाव कमजोर आत्मा पर सहज ही हो जाता है। भय का सोच कि क्या होगा, कैसा होगा, इन बातों का प्रभाव ना हो, उसके लिए कोई न कोई बीच बीच में ईश्वरीय याद की यात्रा का विशेष प्रोग्राम मधुवन द्वारा ऑफिशियल जाते रहना चाहिए, जिससे कि आत्माओं को किला मजबूत रहेगा। आजकल सर्विस भी बहुत बढ़ेगी, लेकिन बढ़ने के साथ साथ युक्ति युक्त भी बहुत चाहिए। आजकल संबंध और संपर्क में रहने वाले ज्यादा आएंगे, स्वरूप बनने वाले कम आएंगे, सब एक जैसे नहीं निकलेंगे, दिन प्रतिदिन क्वालिटी भी कमजोर आत्माओं अर्थात प्रजा की संख्या ज्यादा आएगी। उन्हें एक बात अच्छी लगेगी, दो नहीं लगेगी, सब बातों में निश्चय नहीं होगा, तो संपर्क वालों को भी उनों को जो चाहिए उसी प्रमाण उनों को संपर्क में रखते रहना है। समय जैसे नाजुक आता जाएगा वैसे समस्या प्रमाण भी उनके लिए रेगुलर स्टूडेंट बनना मुश्किल होगा, लेकिन संपर्क में ढेर के ढेर आएंगे, क्योंकि लास्ट समय है ना, तो लास्ट पोज कैसा होता है, जैसे पहले उछल उमंग उत्साह होता है वह बिरला कोई का होगा। मेजोरिटी संबंध और संपर्क वाले आएंगे तो यह अटेंशन चाहिए, ऐसे नहीं कि संपर्क वाली आत्माओं को न परखते हुए संपर्क से भी उन्हें वंचित कर दो, खाली हाथ कोई भी न जाए। नियमों पर भल नहीं चल पाते हैं लेकिन वह स्नेह में रहना चाहते हैं, तो ऐसी आत्माओं का भी अटेंशन जरूर रखना है। समझ लेना चाहिए कि ग्रुप इसी प्रमाण तीसरी स्टेज वाला है, तो उनों को भी उसी प्रमाण हैंडलिंग मिलनी चाहिए। अच्छा, ओम शांति। वरदान, स्नेह के पीछे सर्व कमजोरियों को कुर्बान करने वाले समर्थी स्वरूप भव। स्नेह के पीछे सर्व कमजोरियों को कुर्बान करने वाले समर्थी स्वरूप भव। स्नेह की निशानी है कुर्बानी। स्नेह के पीछे कुर्बान करने में कोई मुश्किल व असंभव बात भी संभव और सहज अनुभव होती है, तो समर्थी स्वरूप के वरदान द्वारा सर्व कमजोरियों को मजबूर से नहीं दिल से कुर्बान करो, क्योंकि सत्य बाप के पास सत्य ही स्वीकार होता है, तो सिर्फ बाप के स्नेह के गीत नहीं गाओ, लेकिन स्वयं बाप समान अव्यक्त स्थिति स्वरूप बनो जो सब आपके गीत गाए। स्लोगन, संकल्प व स्वप्न में भी एक दिलाराम की याद रहे तब कहेंगे सच्चे तपस्वी। संकल्प व स्वप्न में भी एक दिलाराम की याद रहे तब कहेंगे सच्चे तपस्वी। अच्छा, ओम शांति।